सहारघाट थाना के तिरमुहान पुल के पास तेज रफ्तार से जा रहे एक बाइक सवार पुल के नीचे धौंस नदी में गिर गया, जिसमें बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों की पहचान मधवापुर थाना के बासुकी गांव निवासी राजेश मंडल व दीपक मंडल के रूप में की गई है। घटना शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे के आसपास के बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार एक ही बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हुए राजेश मंडल की भांजी के मटकोर समारोह में भाग लेने बासुकी से बसेठ जा रहे थे, जहाँ तिरमुहान पुल के पास संतुलन बिगड़ गई और बाइक पुल के नीचे जा गिरा, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को स्थानीय निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने राजेश की स्थिति नाजुक देख डीएमसीएच दरभंगा के लिए रेफर कर दिया। वहीं दीपक का इलाज स्थानीय निजी क्लिनिक में चल रहा है। समाचार भेजे जाने तक सहारघाट थाना पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी थी। उधर सहारघाट थाना पुलिस ने नेताजी चौक से शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान सहारघाट के ही सुरेश नायक का पुत्र अमित नायक के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 5 बोतल नेपाली 375 ml का ऐसी विदेशी शराब जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक सहारघाट पुलिस को नेताजी चौक पर बाबा नायक पान दुकान में शराब की बिक्री होने की गुप्त सूचना मिली। सूचना पर अपर थाना अध्यक्ष अभिषेक आनंद पुलिस बल के साथ पहुंचकर छापेमारी किया, जहां से आरोपी को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शराब को जब्त कर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मधवापुर अंचल कार्यालय परिसर में अंचलाधिकारी राम कुमार पासवान ने कार्यालय कर्मी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से संभावित बाढ़ को लेकर सभी राजस्व कर्मचारी को अपने क्षेत्राधीन तटबंध का निरीक्षण, नावों की उपलब्धता, पुल पुलिया होकर पानी का बहाव की स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट करने को कहा। वहीं दाखिल खारिज के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश भी किया गया। मौके पर राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार, राहुल राज, सूरज कुमार भारती, संजीत कुमार, रविकांत यादव, संजय प्रसाद, लिपिक मिथुन कुमार, सुजीत कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर रूपा कुमार, सतीश कुमार एवं चंदन कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहू लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर 1 घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।